वो है लड्डू और उसकी चल रही है बोली। ऑक्शन लग रहा है यहाँ पे, 1,00,000 रुपए तक जा चुका है। एक बूंद डाल के 4 कदम पीछे, क्या मतलब है ऐसे पुक्का? वहाँ पे बैंड बाजे वाले हैं, वहाँ पे कमेटी मेंबर्स हैं, और अगर ध्यान से देखो वहाँ पे वो है लड्डू और उसकी चल रही है बोली। ऑक्शन लग रहा है यहाँ पे, 1,00,000 रुपए तक जा चुका है। माना जाता है जितना लगाओगे उससे ज्यादा आएगा, ऐसा मेरे को इसने बोला। इन दोनों ने ट्रांसलेट किया, मेरे को तो नहीं चमक रहा, क्या हो रहा है? 10,000 से शुरू हुआ, अभी 1,10,000 तक पहुँच गया, अभी और लगा रहे हैं। लड्डू गया उसके हाथ में, गया 1,12,000 में लड्डू गया। वो ट्रांसलेट करते हैं जो भी बोलता, हमें तो चमकता नहीं। ये गणेश जी का रथ फाइनल सज गया, इसको सजाने के लिए आधे घंटे लगे इनको। क्यों? हम लोगों ने जब तक खाना वाना, लाइट वाइट पूरा लगाया ऊपर, देखना ऊपर लाइट वाइट पूरा लगाया भाई, सेटिंग वेटिंग हुई है, बढ़िया बढ़िया एकदम। यहाँ पे एक ऑक्शन चल रहा है, उस वाली गली में एक ऑक्शन चल रहा है, वहाँ 1,50,000 में लड्डू बिक गया। 1,50,000 तक ऐसा कुछ तक क्या ना? 1,50,000 वो लोग जब आए वहाँ से तब तक हो गया था और बिका। अच्छा चलो बाजू वाली गली देखते हैं। वाह मटकी फोड़ रहे हैं वहां, देखो वो पानी पानी मार रहे भाई। गणेश जी अपने रथ पे चढ़ चुके हैं, वो देखो छोटे 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 गणेश जी, इनका ये बच्चों के हैं सारे के सारे, वो लेके आए वहाँ पे। मैं गाना बजा दूँगा, ध्यान से देखे इस इंसान को, इस औरत को ध्यान से देखे, तुम भी ध्यान से देखो इधर। ये औरत तो अभी हम लोग नीचे गए थे ना, तो गणेश जी जा रहे थे तो मैडम होगी दुखी, ऐसा मैडम का कहना है। तो दुखी होने पे क्या आया दिमाग में, रील बना लेती हूँ मैं यहाँ पे। दुखी हुई तभी तो दिमाग में आया कि और भी लोग दुखी होते होंगे, लोग रिलेट कर पाएंगे मेरे सिचुएशन को। गणेश जी भी बोल रहे होंगे कैसे औरत है ये, नहीं मैं यहाँ पे जा रहा हूँ दुखी के नाम पे रील बना दिया, बिल फाड़ दिया मेरे पे फालतू का। अरे वो बात नहीं है, मैं सोच मतलब दुखी हुई तभी रियलाइज हुआ ना कि दूसरे लोग भी मेरे जरा दुखी होंगे, क्योंकि तुमको तो कुछ फर्क पड़ता नहीं है। अब जाएंगे अपने पापा से कंप्लेन करने कि एक लड़की मेरे पे रील बना दी बिना मतलब के। उनके पापा पे भी रील बना दूंगी, कोलैबोरेशन कर लूंगी शिव जी के साथ। और वो लड्डू अड्डू बिका भाई नीचे, बिका नहीं वो ऑक्शन हुआ है, बोला जाता है या माना जाता है इनका कि जितना आप अभी खर्च कर रहे हो उससे 2-3 गुना ज्यादा आएगा। बिलीफ है। और जिनका खेत होता है ना खेत, तो वो लोग क्या करते हैं कि वो जो लड्डू रहता है उसको ऐसे चूरा करके पूरे खेत में डाल देते हैं ताकि फसल अच्छी हो गए। तो मतलब गांव में तो ये और जोरों शोरों से मनाया जाता है कि हमें मिले टाइम। हर जगह का कुछ नया नया ना, यहाँ का कुछ नया देखने को मिल गया, इसलिए बोलते हैं घूमो करो, दबा के घुमा करो। मतलब हम घूम तो नहीं रहे, मजबूरी यहाँ मतलब यहाँ है, लेकिन घुमा करो, बहुत घुमा करो, घर में बैठे रहते हो गुड मॉर्निंग। कल रात को यहाँ बहुत हैवी बारिश हुई, कल रात को नहीं 2 रातों से, और अभी सुबह का मौसम कैसा है ऐसा एकदम गर्म मौसम, गर्म है, हवा ठंडी चल रही है अभी तक, तो उसके बाद क्या होगा भगवान जाने। उसके बाद मैडम कहाँ है,
मैडम यही थी, वो स्टैंड लगा के रिकॉर्ड कर रही थी अपना कॉफी बनाने वाला। ये सेलिब्रिटी हमारे घर की। जब भी रिकॉर्ड करती है लिपस्टिक लगाती है, मुंह पे लिपस्टिक लगाती है। लिप बाम बोलते हैं उसको। लिपस्टिक है, लिप बाम है, इसको लिप बाम बोलते हैं। ये जैसे तुम अपने उसमें बोरोप्लस लगाते हो ना, हम ये लगाते हैं। तो और वो मैं वहाँ देखो, वहाँ वो लोग काम कर रहे हैं धूप में, और मैं अच्छा हूँ, मैं खड़े होकर बोल रहा हूँ, गर्मी है। समझ रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? शरीर को और दिमाग को जैसा डालोगे वो बन जाएगा। यहाँ पे मैडम ने एक चैलेंज ले लिया 30 दिन तक बाहर का नहीं खाने का, तो मैडम अपना खाना खुद बना रही है। ये अपना घी डला है, ब्रेड के साथ कुछ लफड़ा लोचा होगा। ये घी मम्मी ने दिया था, वो अब तक चल ही रहा है, यूज़ ही नहीं कर पाते, इसी बहाने मैडम यूज़ कर रही। ये गया ब्रेड, ये गया दूसरा ब्रेड। भाई बहुत अच्छा बनेगा, मैं बता रही हूँ, फिर बाद में मत बोलना नहीं दिया करेगा, धुआं उड़ेगा। हाँ, अब मैडम क्या करेंगे, इसके ऊपर डालेंगी दूध। बहुत कम डालना है मेरे को। हैं? कैसे डालूँ, बहुत भरा हुआ है ये। गिर रहा है ना, कैसे खोला तुमने? तुम डाल कैसे रहे हो, टेढ़ा करके डालो ना, ऐसे कोने से। आता तो सिखाता तेरे को, ऐसे तो क्या हमारा। जल गई, जल जाएगी क्या? जल गई। तुम डालो। हो गया, एक बूंद डाली गई, चार कदम पीछे, क्या मतलब है ऐसा कुक का? हो गया, हो गया। चिपक गया। हाँ तो चिपकेगी ना, दूध डाला है तो। अच्छा अच्छा, अभी इस ब्रेड के साथ और लोचा लफड़ा होगा, दिखाता हूँ मैं तुम्हें, दो सेकंड रुको। अब इन ब्रेड पे ना ये केला डालेगा, फैंसी मिल ना, केले की टॉपिंग्स। हाँ मैं जो बनाती हूँ अच्छे बनाती हूँ। मैडम को बस केला ही काटना आता है ये सब, अभी प्याज टमाटर आलू काटने बोला तो जान निकल जाए। अच्छा मस्त सजा दिया ना। अब ये अब जलेगा हनी, लग रहा है ना बढ़िया, एक नंबर। सहज चाट का ऐसा करके जैसे कि खाना ही खा लिया अपना बनाया हुआ। अगर किसी को गलती से भी लगे कि हम ये ऐसा ब्रेकफास्ट डेली करते हैं या नम्रता ऐसा करती है, तो नहीं 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 नहीं, ये सोशल मीडिया में दिखाने के लिए, सच्ची बोल रहा है मैं। ये चलोगे मैडम ने रिकॉर्ड करना, एक्सप्रेशन जरूरी है याद रखना, ठीक है? अब देखना एक्सप्रेशन देखियो, और यहाँ पे मेरा ब्रेकफास्ट नॉर्मल ओट्स, दूध में भिगाया हुआ, थोड़े फल काट के डाल दिए। मैडम का ये मानना है और कहना भी है दोनों, कि जब से मैडम ने चैलेंज लिया तो मैडम बाहर का खा नहीं रही, तो मैडम के पैसे बहुत सारे बच रहे अकाउंट में, वीकली बोलो ऑन एन एवरेज 500 रुपया या 600 रुपया, तो ओवरऑल एक महीने में 3-4 हज़ार रुपये बच जाएंगे। हाँ लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरे अकाउंट में वो अमाउंट दिख रहा है, मैडम को लग रहा है कि उनके अकाउंट से पैसे कट नहीं रहे लेकिन मेरे अकाउंट में पैसे दिख रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है मैडम? क्योंकि तू जबरदस्ती मंगा मंगा के खिलाता था, पिज़्ज़ा खा ले, ये खा ले, वो खा ले। अच्छा आपको मन करता नहीं था? नहीं, लेकिन आ जाने के बाद पे लेते थे। तो वही तो बोल रही हूँ कि 3-4 हज़ार रुपये, मतलब 2 हज़ार मेरे, 2 हज़ार तेरे, दोनों के बच गए। दोबारा रिकैलकुलेशन प्लीज। 2 हज़ार मेरे, 2 हज़ार तेरे, दोनों के बच गए। दोबारा 3,000 रुपये मेरे, 3,000 तेरे। ये सही बोला, ये तू ही मंगवाता था। मैं तो कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, पतला हो गया ना, एक हफ्ते में 2 किलो लूज किया मैडम ने। अभी 72 चल रहा है, अगर 1 साल तक ऐसे किया तो फिर गायब हो सकती है। ये फिर मैं बैचलर। ये है अपना मामा अर्थ का, क्या ये मुल्तानी मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी। डब्बा उठाया हो तुमने, ये सही डब्बा नहीं है, नहीं ठीक है, ये वो है फेस पैक है, मुल्तानी मिट्टी वो है वाला डब्बा। चलो ठीक है, ये कुछ है, ये हम यूज़ नहीं कर रहे। ये मैडम यूज़ कर रही है मुल्तानी मिट्टी। मैडम यूज़ कर रही तो अब मैं भी यूज़ करूँगा, मैं भी सुंदर सुंदर बनूँगा। क्या होता है इससे? इससे झूरिया कम होती है और गोरे भी होते हैं, झूरिया कम होती है, गोरे होते हैं। ये तो अफ्रीका में बहुत बिकता होगा। No comments. मैं कुछ नहीं बोलूंगी।
पता नहीं मेरी दादी बहुत लगाती थी। बुरी थी वो? बहुत बहुत ज्यादा बुरी भाई, लगती नहीं थी उतनी एज की। ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो। 15-20 मिनट सुखाने के बाद ये आला चेहरे का। मेरा चेहरा ऐसा मुंह चूस के साथ कितना अजीब लग रहा है। अभी हम चेहरा धोएंगे और सुंदर सुंदर बन जाएंगे। रुको तुम। टाटा। कुछ चेंज लग रहा है क्या? वैसे तो चेहरा धोने पे तो चेहरा ग्लो मारेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कुछ तुम भी करके देख लेना, कुछ हो गया तो अच्छी बात है। काला गोरा हो गया, गोरा काला हो गया, कुछ तो जिंदगी में नया हो जाएगा, कोशिश कर सकते हो। तो चलिए फिर इसी के साथ हम आज का ये वाला ब्लॉग यहाँ पे खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये छोटा मोटा हमारा दिनचर्या अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो चैनल पे बने रहें, जल्दी फिर मिलेंगे। ओके, तब तक के लिए टाटा टाटा।